शहडोल में रेत माफियाओं द्वारा पटवारी की हत्या के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। इस पूरे मामले में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा है, तो वहीं भाजपा की कद्दावर नेता उमा भारती ने भी अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शहडोल जिले में रेत माफियाओं के द्वारा पटवारी की हत्या के बाद शिवराज सरकार कटघरे में आ गई है। विपक्ष के साथ भाजपा के अपने नेताओं ने बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि शहडोल में रेत माफिया द्वारा अवैध खनन रोकने गए पटवारी प्रसन्न सिंह को ट्रैक्टर से कुचलकर मार देने की जघन्य वारदात सामने आई है। यह पहला मौका नहीं है जब मध्य प्रदेश में रेत माफिया ने इस तरह से किसी सरकारी व्यक्ति को कुचलकर मार दिया हो। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के दौरान पनपा भ्रष्टाचार और घोटालों के कारण यह स्थिति बनी है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की कद्दावर नेता उमा भारती ने अपनी ही सरकार को घेरे में लेते हुए एक्स पर लिखा, शहडोल के ब्योहारी में खनन माफिया द्वारा अवैध खनन रोकने के कारण एक सरकारी कर्मचारी की हत्या, मध्य प्रदेश की सारी व्यवस्था, समाज, शासन, प्रशासन सबके लिए कलंक एवं शर्मनाक है। अपराधियों पर कठोरतम कार्रवाई हो। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।